अजमेर में रेलवे के विशेषीकृत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रधानमंत्री रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रोजगार मेले में कुल 232 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिनमें रेल सेवाओं में 225 अभ्यर्थी और 7 अन्य विभागों के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और इसी निमित्त हमारे आज यहाँ पर रोजगार मेले के माध्यम से पूरे देश भर में 71,000 युवाओं को रोजगार के लिए सरकारी नियुक्ति पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर कमलों द्वारा आज दिए गए। इसी निमित्त आज इस अजमेर के अंदर भी यहाँ पर भी 2370 युवाओं को रोजगार के आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। निश्चित रूप से आने वाला कल जो हमारा भारत का भविष्य है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। जब 2047 के अंदर भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो उसके अंदर इन युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आज रोजगार मेले के थ्रू हमारे को पॉइंट्स मैन में अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। हमारा पहला प्रोसेस प्री एग्ज़ाम हुआ था। प्री एग्ज़ाम आफ्टर हमारे को फिजिकल के लिए बुलाया गया जनवरी में, NDB मेडिकल के बाद फाइनल प्रोसेस ज्वाइनिंग हमारे को दी जा रही है। जो चौथा रोजगार मेला है उसके अंतर्गत हमें स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अजमेर में केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। मुझे असिस्टेंट पॉइंट्समैन के पद पर नियुक्ति मिलेगी आज और केंद्रीय मंत्री के द्वारा अजमेर चतुर्थ रोजगार मेले के तहत मुझे आज ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा।